ओम शांति। 15 जून 2024 की साकार मुरली। आज का भगवान उवाच है बाबा की एक आश अपने बच्चों प्रति। बाबा चाहते हैं बच्चे माया जीत बन जाएं। बाबा चाहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण समान बन जाएं। उसके लिए आज प्यारे बाबा ने लक्ष्मी नारायण के मंदिर का एक नज़ारा बताया, अपने अवतरण का रहस्य सुनाया, माया की शक्तियों का भी आभास कराया और माया जीत बनने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियों से पूरी मुरली भरी है। आज माया जीत बनना है तो उसके लिए बाबा सोल कॉन्शियस बना रहे हैं, अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, श्रीमत की वैल्यू समझा रहे हैं, समय का महत्व बता रहे हैं, लक्ष्य याद करा रहे हैं और कुछ व्यवहारिक सावधानियां देते हुए आज प्यारे बाबा हर सेकंड को सुखमय बनाने का वरदान दे रहे हैं। तो ऐसी अनमोल शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमें सुनने की विधि ठीक प्रयोग करनी है और वो सुनने की विधि है आत्मा होकर सुनना कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा भगवान उवाच सुनते हूँ। सुनते हुए ध्यान रहे, मस्तक पर जगती अमर ज्योति दिखती रहे और सुनाने वाला दिखता रहे। जो दूर आबू की पहाड़ी पर ब्रह्मा तन में महाज्योति बिंदु शिव चमकते हैं, मेरे बाबा मेरे टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं, ज्ञान के राज खोल खोल समझा रहे हैं। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो, दुख देना दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। गफलत लापरवाही टालमटोल अलबेलापन ये माया जीत बनने नहीं देगा। और दुख देते हैं दुख लेते हैं तो शक्तियाँ नष्ट होती जाती हैं, अपने भी दूसरों की भी, कर्मों के बंधन बंधते जाते हैं। इसलिए बाबा ने मना किया, अटेंशन से ना दुख देना ना लेना। फिर प्यारे बाबा अपनी आश सुना रहे हैं कि बाप की आश है मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो कालापन होता है बेकारों का, गोरा मीन्स प्योर। तो माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं शरीर से भी और आत्मा पवित्र है, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं उनके आगे। तो बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा बच्चों को श्री लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पुरुषार्थ हमें करना है। उसके लिए बाबा श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर क्या करते हैं, वो नज़ारा बता रहे हैं कि बच्चे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, देखते थे, ये तो सर्वगुण संपन्न हैं, गोरे हैं और उनके सामने हम तो विषय विकारों से भरे हुए
जैसे कि काले भूत है, यानी अपना मैल दिखाई देता है उनकी उच्चता को देखकर। फिर उनके आगे कहते थे, हम काले विशेष पापी हैं, मैं मूर्ख हल्कामी, ऐसा बोलते थे। फिर भी पतित बनने का कंगन बांधते थे, यानी विषय विकारों वाली शादी करते थे। फिर निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को भिखारी पतित कहते थे। ये भक्ति मार्ग में किया, और अब जब ज्ञान मिला है तो बच्चे अभी जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो समझेंगे, हम तो पहले सर्वगुण संपन्न थे, ये हमारी यादगार मूर्ति है, अभी हम काले पतित बन गए हैं। बन गए हैं तो अभी हम गोरा बनने के लिए पवित्रता का कंगन बांधते हैं। तो ये डिफरेंस है पहले जाने और अब जाने में। अब इंस्पिरेशन लेते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, ऐसा बनना है। पहले सिर्फ अपने को दोष देके कुछ कामनाएं पूरी कराने लिए मांगते थे। तो बाबा अपने अवतरण के बारे में बता रहे हैं कि मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर पावन बनाओ। अब जन्म जन्मांतर तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपकी ही मत पर चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो अब बाबा आए हैं, सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को समझाते हैं। इस रथ के भ्रकुटी के बीच शिव बाबा है, फील करें ब्रह्मा के दिव्य रथ की भ्रकुटी में शिव बाबा चमकते हैं, वो एवर प्योर हैं। बाप बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, फीलिंग आती है बाबा मेरी ओर देख रहे हैं। उनकी यही आशय कि बच्चे भी गोरा बन जाएं, माँ मेकम याद कर प्योर हो जाएं। तो तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो कि हम पवित्र बन जाएं, तो फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब इतनी ऊंची उपलब्धि, तो उसमें क्या रुकावट आ सकती है। बाबा उसका भी स्वरूप बता रहे हैं कि माया की शक्ति क्या है। बाबा कहते, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है, जिसने काला बनाया है। देखती है अब गोरा बनाने वाला बाप आया है तो माया सामना करती है। तो बाबा कहते, ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प पार्ट बजाना ही है। ये विकारों रूपी माया को आत्मा में प्रवेश होकर अपना पार्ट बजाना है। फिर क्या करती है ये माया, घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। फिर बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बच्चे खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है। क्या करती है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। माया ऐसी है जो ये भुला देती है कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते, यही युद्ध है, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरा बनते हो, ये खेल है। तो माया को ठीक रीति समझना है, ये कशिश करती है, गिराती है, युद्ध करती है। पर ध्यान रखना है कि अगर गोरे से काले बन गए हैं तो फिर काले से गोरा बनना ही है। आज बाबा ने मुरली में माया को जीतने के लिए हमें अभ्यास बताए भी हैं, कराए भी हैं। मुख्य सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस के लिए बाबा ने कहा, बाप आत्माओं को देखते हैं,
फील करें, बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं। प्रकृति के बीच आत्मा रहती है, अकाल आत्मा का ये तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वे इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी, देह रूपी तख्त भी तमो प्रधान हो गया है। तो आत्मा को ही ख्याल आता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। अब समझते हैं आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। ये है सोल कॉन्शियस होके मायाजीत बनना। फिर चलिए मायाजीत बनने के लिए आज की मुरली से परमात्मा चिंतन करें। बच्चे जानते हैं इस रथ के भ्रकुटी के बीच शिव बाबा है। फील करो, वे एवर प्योर है। बाबा कहते हैं जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, जैसा पढ़ाने वाला होता है वैसा ही बनाता है। सर्जन है तो सर्जन बनाएंगे। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। अब तुम समझते हो ये मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। तो बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में। वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है, तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा पावन बनने की जो श्रीमत देते हैं माया जीत के लिए, उसकी वैल्यू बता रहे हैं। बाबा कहते जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे तो कुछ समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, सर्वश्रेष्ठ भगवान की शिक्षा है श्रीमत। तो ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर, शिव बाबा को याद करते करते ये देवात्मा बन रहे हैं। उनकी याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। ये बाबा की श्रीमत है, उसको अंडरलाइन करके पालन करना है। फिर बाबा समय का महत्व और लक्ष्य की स्मृति दे रहे हैं कि टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। अभी तुम बच्चों का टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा कि हमको ऐसा बनना है। ज़रूर बाप ने कहा है कि मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने। तो बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाओ। और लक्ष्य के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को खबरदारी से याद रखनी है कि मुझे नर से नारायण बनने तक की मंजिल पर पहुंचना। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं कि अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं। चित्र सामने ध्यान रहे, हमको ये बनना है। उसके लिए बाबा व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे अब ऐसी गफलत मत करो, किसी को दुख नहीं देना, मायाजीत बनना ना, और किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो। काम कटारी नहीं चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे और दैवी गुण धारण करने से माया जीत बनेंगे। तो ये थी माया जीत बनने की भिन्न भिन्न बाबा की शिक्षाएं। तो अब लेते हैं बाबा का आज का विशेष वरदान कि हर सेकंड को सुखमय कैसे बनाएं। देखें सुख सागर वरदाता भगवान को कैसे सुख का शावर दे रहे हैं। अंतर तक सुख की शीतल किरणें भरती जा रही है।
बाबा का वरदान मिल रहा है। बच्चे, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। तो पवित्रता की हाइट्स बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। तो याद रखना अपने लिए कि मैं ऐसी पवित्र आत्मा हूँ जो दुख अशांति का अनुभव नहीं कर सकती, हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहती हूँ। दुख के नज़ारे को अपनी पवित्रता की शक्ति से समाप्त करके दुख हरता सुख करता बन जाती हूँ। ऐसा सुखमय वायुमंडल बनाने वाले हम पवित्र आत्माएं हैं। स्लोगन, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो चलिए हम आज की मुरली को रिवाइज करते उसका स्वरूप अपने को बनता देखें कि मैं माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ। बार बार अपने को देखते रहें और सदा आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन में रहने वाली हूँ। मैं अपने समय और श्रीमत की वैल्यू को जानने वाली हूँ। मैं अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को सदा बुद्धि में रखने वाली हूँ। मेरा ब्राह्मण जीवन सदा सुख और शांति से भरपूर है। तो विशेष होमवर्क पर ध्यान देंगे कि बहुत अटेंशन से दुख देने या लेने की गफलत हम नहीं करेंगे। माया जीत होकर संपूर्ण पवित्र आत्मा का सुख देने सुख लेने का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।